आज मैं बीबी जान के किचन से आपको झटपट भिंडियाँ पकानी सिखाऊंगी। ये मेरे 2 चम्मच इसमें ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर, और ये 1/2 किलो भिंडी है, 4 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, लहसुन है, नमक है और लाल मिर्च है। बस इसके अलावा कुछ नहीं डालना आपने। ये पहले आप इसमें भिंडियाँ डाल दें, इनको ज़्यादा नहीं भूनना, बस इनको हल्का सा थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना, क्योंकि भिंडी जो है वो ऑयल बहुत चूस लेती है, इसके अंदर बहुत ऑयल नहीं डालना, क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं सब, ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए। वैसे भी पठान लोग ये चीज़ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, उनका खाना इसी तरह झटपट होता है और बहुत फ़ायदेमंद, कोई विटामिन ज़ाया नहीं होती। ये आपने इस तरह करना है और थोड़ी सी तेज़ रखनी है, बिल्कुल थोड़ा सा आएगा इसमें, दरमियानी आता है, इनका अपना ओरिजिनल कलर भी यही रहेगा, इससे जाहिर होता है कि इसमें आपने इसको ज़्यादा काला नहीं किया। अब लहसुन डाल दें आप, क्योंकि ये गैसेस वाली सब्जी है, लहसुन की होती है। अब इसमें हमने प्याज डाल दिए, और इसके बाद ये टमाटर डाल दिए, क्योंकि इन्होंने टमाटर मिक्सिंग कर दी। इतना ईजी है कि इसे हर कोई पका सकता है। अब ये दम में डाली जाएंगी, और टमाटर के पानी में ही और प्याज के पानी में ये डाल जाएंगी। नमक डाल दिया और लाल मिर्च डाल दिया, और हरी मिर्चें सिर्फ खुशबू के लिए। आप भिंडी काट लें ताकि प्याज का पानी और टमाटर का पानी आए। बस अब इस पर आप ढक्कन दे दें, 10 मिनट मैंने इसे पकाया, बस 10 मिनट दम के बाद अब इसके ऊपर ना 1 लेमन डाल दिया, बस 1 लेमन जूस डाल दिया। अब इसे टमाटर भी गल गए हैं, प्याज भी गल गए हैं और भिंडी भी, और आप देख लें उसकी वही शक्ल है, कोई ऑयल नहीं है इसमें, बस आपकी भिंडी तैयार है। अब नोश फरमा, तैयार है। नीचे आप कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।